आप सभी का खैर मद्दाम करते हैं। थर्ड प्लेस मैच यहां पर खेलती हुई आपको दो टीमें नजर आएंगी। रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले ये मुकाबला होने वाला। शुरुआती सात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अजीत चौहान की अगुवाई रहने वाली है। रेडिंग के डिपार्टमेंट में सूरज पाटिल उनका साथ निभाएंगे, मोशन पठान भी आपको वहां नजर आएंगे। राइट कवर के ऊपर अभिषेक रहने वाले एंड ओमकार पाटिल, निखिल एंड तेजस विल बी इन द रेडिंग ट्रायो फॉर दिस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट तडोबा टाइगर्स। इन द कवर्स वी सी तुषार एंड वैभव इन द कॉर्नर। दाव पे लगी है आपकी आन बान शान, मुकाबला जीतिए और पाइए तीसरा पायदान। तीसरे पायदान की ये जंग नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सामने कोल्हापुर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनके सबसे इंपॉर्टेंट रेडर, इस एडिशन के सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग रेडर अजीत चौहान है रेड पे। कॉमेडी बॉक्स में मेरा साथ दे रही है राधिका, स्वागत है राधिका। इनिशियल स्टेजेस दे हैव वन द टॉस बट देन ऑप्टेड टू गो फॉर द रेड बिकॉज़ द स्ट्रेंथ इज इन द रेड। एक तरफ अजीत, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे तेजस पाटिल अपने टीम के लिए रेड लगाते हुए। पूरी तरीके से फिट नहीं है लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी, जो जोश जज्बा जुनून इस खिलाड़ी ने दिखाया है अपनी टीम के लिए। पहली रेड में पॉइंट लाया है, कॉर्नर के वापस आए हैं अजीत। अगली रेड नांदेड़ की डू ऑर डाई होगी राधिका। भेजा गया है, हम आप सभी जानते हैं कि इनिशियल फेजेस में डू और डाई में वो खिलाड़ी जाता नहीं जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी के चलते शिकार बनाया कोल्हापुर के। ओके, अजीत को बीट करके अक्षय रेड के ऊपर गए, खाता अभी भी नांदेड़ का खुला नहीं है राधिका। But this raider is capable enough of taking away those multiple points with the power he has. But then the defense is so ready that they would go for an ankle hold. Tejas इनकी position से support फिर भी दिखाते हुए बहुत अच्छी कप्तानी पारी आज के मुकाबले में खेली है, लेकिन इस खिलाड़ी से आप कैसे बचेंगे? नांदेड़ के लिए जो काम अभिषेक बरूदे ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया। Super tackle, खाता खुला नांदेड़ के defense में point. That too taking care of Tejas Patel. In a defense of three, I think these surprise tackles every time that comes from Abhishek and that way before. So technically, he has had multiple time attempts for bonus, but then nothing given. Nikhil Barge, yes, this is the raider we're talking about. In a defense of four, I know it is very difficult for a raider to revive a player, but then at least, this power should help. Brilliant two-pointer. 2 points, Kolhapur, 1 and 15. नांदेड़ की टीम थोड़ा सा साधारण प्रदर्शन दिखा रही थी। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि नांदेड़ दोनों ही टीम इनिशियल फेज से डू और डाई पे खेल रही थी, इसी के चलते बहुत लो स्कोरिंग वो मैच था। बट यहाँ पर वन साइडेड अटैक किए जा रहे हैं, मल्टी पॉइंटर रेड आएगी, पहली मल्टी पॉइंटर नांदेड़ के लिए। 2 points नांदेड़। दादा सो हैड टू स्टेप बैक बिकॉज़ द ब्यूटी ऑफ अजित। यही चाहिए कोल्हापुर की टीम को, यही चाहिए, जितना ज्यादा समय तेजस मैट के ऊपर बिताएंगे कम से कम वो एक साइकोलॉजिकल। अजित, दिस इज द की प्लेयर दैट कोल्हापुर नीड टू टेक केयर ऑफ इफ दे नीड टू गेट दैट ब्रॉन्ज मेडल। लुक एट द रनिंग किक, जर्सी नंबर 5, डज इट लुक लाइक अ फुटबॉल वन आयुष? इट लुक लाइक, खौफ होता है एंड दे बिलीव कि जो आप करेंगे वो आपके पक्ष में सोना बनता नजर आएगा। एब्सोल्युटली एंड आल्सो the players they need to get a lot of variation and look at this khud ki team mein se wo end line paar nahi kar jate itni jaldi team ko wapas jane ki but what a balance he had as well Ayush बैलेंस बचपन में स्केटिंग किया करते होंगे शायद उसी के चलते वो बैलेंस आया, लेकिन यहाँ बैलेंस खोना पड़ेगा डिफेंस को या रेडर को। आई बिलीव डिफेंडर को खोना पड़ेगा, रेडर पॉइंट लाएंगे, एक नहीं दो मिले। Dhananjay is also being taken care of. Marginal utility will come into picture if he is the only one who is being targeted for the raids all the time. और तेजस ने आज कहा भी था कि आज का ये मुकाबला आखिरी हमारा मुकाबला इस एडिशन का, कोशिश की जाएगी। एंकल होल्ड आया था राइट कॉर्नर की तरफ, शॉक दिए हैं और मुझे लगता है कई टीम्स को तो उन्होंने वेंटिलेटर पे लेटा भी दिया है जैसी परफॉर्मेंस उस टीम ने दिखाई है। That's the reason they are playing against one of the top teams and look at the breaking of the chain. This raid. ये मेरे साथ भी हुआ है, खेलो इंडिया में हुआ है, मेरे साथ ही कमेंटेटर के साथ हुआ है और हो जाता है। This is very natural. We all are humans. और जब आदमी ज़्यादा conscious होता है, मैं गलती नहीं करूँगा, 100% करता है। अजीत ने भी की है। चाहिए जनाब, defender नहीं आप, raider हैं। 2 points. Now look at that. Kolhapur raider.
you know, not the defense that took care of Ajit, but the Raider went in and taken care of Ajit. And this is the right last player. Wait for the opportunity, Kolhapur. Ayush, do I sound like, you know, I'm taking in favor of Kolhapur? इवन इफ द स्कोर लाइन इज फेवरिंग कोल्हापुर, ठीक है, 15-8 फासला है, डबल डिजिट्स पे नांदेड़ की टीम पहुंची नहीं है। कोल्हापुर के रेडर्स डिफेंडर्स सब अच्छा काम कर रहे हैं। निखिल ने बहुत ज्यादा रेड्स लगाई नहीं है, लेकिन टो टच का प्रयास, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर उनका सीधा सीधा सामना सबसे बेस्ट डिफेंडर के साथ में होता है। और जब जब आप बेस्ट डिफेंडर, आई थिंक तेजस बाटली इज हैविंग दैट लिटिल ब्रीदर फॉर सम टाइम, आयुष, ही नीड्स इट। एंड अजित, गॉड गॉड, डिड ही आयुष, व्हाट डू यू थिंक, डिड ही run away with points or he's out? गणना कीजिए, आप कितने खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, गणना कीजिए, सिर्फ एक जा रहा है, रेडर बाहर जा रहा है, मुझे लगा था मल्टी पॉइंटर रेड है। Even I thought that would be a game changer of a raid for Ajit. Will they go for a review? Let's see. Come. क्या दी कोच साहब वहां मौजूद है वेन्यू पे? No, he's not there. He's now there, and this time around, this should be a super tackle, provided there was a no jersey pull. And look at that, who got in? Tejas Patil. Oh God, the struggle is still on, but then the defense, will they make it? Ah, finally gave up, Ayush. Super tackle. ओमकार अजीत के ऊपर बैठ के झूले झूल रहे थे, 30-30 बार उन्होंने वो झूले झूले, और मुझे लगा शायद वो उतरे नहीं, उन्होंने कहा मैं मेरा टिकट पूरा वसूल करूंगा, थाई और डाया जरूर था। ओमकार को देखिए, जर्सी पुलिंग ओमकार की हो गई, पता ही नहीं चला, इतना सारा कंफ्यूजन। बट हैट्स ऑफ टू अजीत, इतनी लंबी स्ट्रगल आमतौर पर आपको देखने को मिलती नहीं है। सुपर सिचुएशन, नाउ ट्राई टू यू नो प्ले विद अ लिटिल मोर पेशेंस, हैव दैट पेस अ लिटिल, गो डाउन लिटिल स्लो। Was that a toe touch? बीच में सेंटर की पोजीशन पे जो एकमात्र खिलाड़ी मौजूद है, हम आप सभी जानते हैं, वो तेजस पाटिल है, वो रेडर नहीं है, वो इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बैक किक को होल्ड किया, एंकल होल्ड, रेडर वैसे फील देने की कोशिश की थी, पांव फिसल गया, होता है, अच्छे अच्छों के साथ यही होता है। 8 अंकों का फासला है, कोल्हापुर के पक्ष में है। निखिल बैक टू बैक रेड्स लगा रहे हैं, यहाँ पे जंप आया, एंकल होल्ड, और सूरज ने काम तमाम किया है, अस्त कर दिया निखिल को, वो सोचा नहीं। और भाई नांदेड़ की टीम करती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि गेम के मोमेंटम को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पिछला मुकाबला ऐसा था, उससे ज्यादा कंट्रोल मुकाबला मैंने कभी देखा ही नहीं हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वहां जितनी डू और डाई थी वो कहीं नहीं थी, लेकिन यहां पे डाइविंग एंकल आया है। 30 सेकंड गो बैक, लेकिन डिफेंस का क्या करेंगे, सूरज ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला आज। कमिंग बैक टू द होम इज अ गुड साइन, and this should be the last raid which Nanded Yakub, do or die Ayush, and what, why Raiders have 2 points, Nanded jersey number 3 and 16 out। वो पांच चीज का ही तो जवाब चाहिए, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हाई, और व्हाई का जवाब देना पड़ेगा। हाफ टाइम की समाप्ति के बाद जो स्कोर लाइन है, 11 रेड पॉइंट निकाले नांदेड़ की टीम ने, 12 मिले कोल्हापुर को। सुपर 10 अनडाउटेडली, एंड आल्सो ही विल मेक हिज वे टू द टॉप 3 रेडर्स फॉर दिस लीग, बट देन विल ही बी एबल टू गेट, ही गेट दोस 2 पॉइंट्स। जिस बातों को होल्ड कर लीजिए उससे पता चलता है। और राधिका आपको बताए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने फील की, कि जब जब आपके सामने वो चुनौती पेश की जाए, जरूरी नहीं है कि आप उसको हर बार स्वीकारें। कर रहा है एक पॉइंट का, एक पॉइंट और मिल जाए तो इनका सुपर 10 कंप्लीट होगा, और आपके इस एडिशन के आखिरी मुकाबले के मैच में भी यदि आप सुपर 10 कर लेते हैं, का मतलब ये है कि आप सुपर 10 मशीन है जनाब। हियर वी गो देन, पंकज को अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, पिछली बार भी वो अटेम्प्ट के लिए चले गए थे, यहाँ पे पंकज को शिकार बनाने की कोशिश है। पंकज के सामने पहले वो रनिंग एंड टच मारने की कोशिश की, फिर अर्जुन राठी, वो चेहरा अभी भी वो धुंधली यादें लेकर आया है। हर एडिशन के अंदर हमें नए खिलाड़ी देखने को आमतौर पर मिल जाते हैं, लेकिन ये परिणाम डिफेंस ने राइट इनके सामने, और जैसा राधिका ने पहले बताया कि ये कॉर्नर के सामने एग्जैक्टली नहीं, कॉर्नर और इनके बीच में से बोनस चुराने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं, नहीं कॉर्नर पे ही गए। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, बट देन द रेडर नीड टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स नांदेड़,
jersey number 5 out. This is the high time that these players need to understand the dynamic and the timing of the game. Ayush red samajhna padega, lekin yadi aap samajh ke khelenge to muqable mein rahenge. Agar aapki samajh ke upar koi sawal ya nishan to aapko bahar jana padega. Aur yahan par raider ko bahar defense biggest you are leading, just let it be. Now about the Kolhapur stories and my attachment for Kolhapur, Ayush, you know, there is this academy called Kabaddi Rao's Academy in Kolhapur first. So that is the connection I have with Kolhapur. So somehow I might sound a little, you know, for Kolhapur today. 2+2, 4 points, Kolhapur. कोल्हापुर पूरा का पूरा मौका दे रही है, परफॉर्मेंस वैसी कर रही है, ऑल आउट कर दिया नांदेड़ की टीम को. एक समय पे लगा जरूर था कि शायद नांदेड़ अजित जस्ट प्ले फॉर योरसेल्फ बिकॉज़ द वर्ल्ड इज वाचिंग यू प्ले फॉर योरसेल्फ व्हेन द टीम डजंट सपोर्ट समटाइम्स यू कुड बी लिटिल सेल्फिश. रेडर आउट, वन बॉल, स्टार्टिंग पॉइंट टू हिम. आयुष, ही इज द वन हु इज गिविंग इन अ हेल्पिंग हैंड फॉर द रेडर. You just keep on counting कितने पॉइंट वो खिलाड़ी निकाल लेते हैं. ओमकार पाटिल इस खिलाड़ी को बाहर लेकर जाएगा. किसे? पंकज को. पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी बार मैंने इनको देखा है मिडलाइन के आसपास. ऐसा लगता है कि डोरी बांध के खड़े हैं. मिडलाइन से ज्यादा दूर ये खिलाड़ी जाता ही नहीं है. मिडलाइन के पास ही हमेशा अटैक करने की कोशिश रहती है. टाइम आउट कोल्हापुर. बट देन ही इज काइंड ऑफ अ बैकबोन फॉर द टीम. आयुष, वन पॉइंट Nandir, you know, exhibit such a kind of a tournament in this big scale. Now if you cross the box line, that doesn't give you any points. You need to have an attacking game now because Nandir, this is the last time. But then Dada, so I'm missing the count of the leaderboard in the top raiders list. He has done it well so far for the team. खिलाड़ी की विशेषता है अजीत. हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने आज अच्छा खेल खेला था. था मैं, उन्होंने कहा जनाब अभी भी मैं मैट के ऊपर मौजूद हूँ, एक अंक मुझे मिलेगा. ओमकार पाटिल टू और डाई की सिचुएशन. चार का डिफेंस, बोनस एक्टिवेट है नहीं, टफ माना जाता है, लेकिन उन्होंने जस्ट वांट टू गिव अवे द बोनस फॉर दिस रेडर एंड नॉट टू डू मच डैमेज इन द डिफेंस. ओ, ओमकार ने पकड़ा है अपने साथी को. वो थोड़े से जज्बातों में बह जरूर गए थे, लेकिन इस बार ओमकार अपने साथी को तो रोक लिया. आपको कौन रोकेगा? 3 and 33 आउट. दादा, सो यू नो समटाइम्स यू जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो, बट नॉट हैविंग द प्रॉपर कैलकुलेशन. बट दिस लाते हैं कोल्हापुर का डिफेंस. बहुत सदावर डिफेंस है, आखिरी क्षणों में टूटना नहीं चाहिए था. ओमकार पाटिल डू और डाई के सिचुएशन क्या. एंड अ न्यू रेडर सूरज पाटिल कम्स इन. Taking his time, Kent को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. अब नांदेड़ भी समझ चुकी है मुकाबला तो गया. 15 अंकों का ये. That's a Tejas Patil, but then this is Omkar Patil coming off the bench, had those nice bit of running hand touches. Two points, Kolhapur. Jersey number 9 and 15 out. Last hope for Nandir is gone, Ayush. Is he contributing? Literally, do you think so, Radhika? No. but then this is a brilliant final touch of a लिखा हुआ और आप लिख के आ रहे हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डजंट मीन कि आप कंट्रीब्यूट कर आ रहे हैं. भैया नांदेड़ के लिए अजीत ने डिफेंस भी किया है, लेकिन तेजस पाटिल ये वो खिलाड़ी है जो आखिरी रेड के ऊपर आया है. तीसरे पायदान की लड़ाई में कोल्हापुर को इस खिलाड़ी ने जिताया है. तीसरे पायदान पर समाप्त करेगी, सुपर 10 अपना कंप्लीट करेंगे. 200 कुछ आज इस खिलाड़ी ने किया राधिका. मुकाबला समाप्त की जाए. एरर्स कम किए हैं आज कोल्हापुर की टीम ने एज कम्पेयर टू द ओपनर नांदेड़. 26-43. हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वन थिंग, हिज प्रेजेंस ऑन द कोर्ट इज द सेकंड थिंग. दादा सो पुजारी ये वो खिलाड़ी जो डिफेंस में अपनी टीम के लिए